नमस्कार दोस्तों आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं दोस्तों कल तारीख है अट्ठाईस नवंबर और एक नए महीने की होने जा रही है शुरुआत और आप लोग एक नई ऑप्शन चिन्ह बनते हुए देखोगे दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करके चलूँगा निफ्टी फिफ्टी को देखो दोस्तों इस समय पर जब हम लोग निफ्टी फिफ्टी को स्टडी करके चलते हैं तो ये बात हमें देखने को मिलती है कि निफ्टी फाइनली वापस से अपने एक बुलिश चैनल के अंदर एंटर कर चुका है दोस्तों ना केवल इस चैनल के अंदर इसने एंट्री ली है बल्कि इस चैनल को इस पूरे महीने इसने रिस्पेक्ट भी दिया और दोस्तों इसको हम लोगों ने काफ़ी पीछे डिस्कस किया भी था कि निफ्टी ने नीचे से अपनी सपोर्ट ली थी और निफ्टी धीरे धीरे कर ऊपर कर राइस करेगा और कई बार शेक ऑफ आएंगे और मार्केट में फिर ये राइस करेगा और निफ्टी की जैसे कि एक खासियत है कि ये चैनल को फॉलो करके चलता है और ऑप्शंस के प्रीमियम्स जिस तरीके से डिक्रीज हुए हैं इनको देखकर कर ऐसा ही लगता है कि ऑप्शंस के ट्रेडर्स ने निफ्टी की इस रेंज को समझ लिया है तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखकर चलते हैं तो ये हमारे पास अपर एंड है जहाँ पर हमें प्राइस का रिजेक्शन देखने मिलता है और ये अभी इस जगह पर कंसोलिडेट होता है और दोस्तों ये वो लोअर एंड है जिसके पास पहुंचने पर इसके अंदर बाइंग दिखती भी है और हम लोगों ने देखी भी है दोस्तों आज मार्केट में एक बार इसने अपने चैनल को तोड़ा और नीचे जब ये आता है तो दोस्तों एक बार को ऐसा लगने लगा कि आज मार्केट सत्रह छः सौ के लेवल सत्रह पाँच सौ के लेवल दिखा देगा लेकिन एकदम से इसी जगह पर आने वाली बाइंग ने मुझे इस चीज़ पर सोचने के लिए मजबूर किया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है और मार्केट ने सत्रह साल इस चैनल को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों क्या इस चैनल को मैं सच में एक बुलिश चैनल मान सकता हूं तो मैं आपका ध्यान कुछ बातों की तरफ लेकर चलना चाहूंगा देखो दोस्तों ये इस जगह पर कॉन्टिन्यूसली अगर आप देखो तो अभी इसने कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया है दोस्तों इसकी ट्रेंड की जो स्टीपनेस है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होती है और हायर लेवल पर ये प्राइस का रिजेक्शन शो कर रहा है तो दोस्तों इसको अगर इस ट्रेंड को फॉलो करना है तो मार्केट को ओपन होना होगा गैप अप 17859 मतलब के ऊपर गैप अप ओपन होना होगा और फिर उसके बाद इसको ऊपर की तरफ राइस करना होगा और फिर उस जगह पर हमारा ये जो चैनल है ये चैनल आगे की तरफ बढ़ेगा और मैं इसको आपको एक्सटेंड कर कर दिखाता हूं अब देखो दोस्तों मैंने इसको एक्सटेंड तो कर दिया पर ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली exactly तो देखें तो मार्केट के लिए सबसे ज्यादा वह है सत्रह आठ सौ उनसठ का लेवल सेवनटीन थाउजेंड एट फिफ्टी नाइन के इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद जब मार्केट सेवनटीन थाउजेंड एट फिफ्टी नाइन के इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तब मार्केट के अंदर नए मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसको ज्वाइन करेंगे और तब निफ्टी यहां से ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने क्या सोचा होगा तो दोस्तों इसको देखकर ऐसा लगता है कि मार्केट की ये जो क्लोजिंग है ये इस ट्रेंड के लोअर एच पर जाकर क्लोज होती है मतलब 17728 के पास क्लोज होती है तो कहने का मतलब ये कि 17700 का पुट राइटर ये सोचेगा कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो सत्रह सात सौ का जो पोटराइटर है वो सेफ बनता है और दोस्तों इसके बाद मार्केट जब यहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा तो सत्रह आठ सौ का पोटराइटर सेफ बनता है और सत्रह नौ सौ का पोटराइटर फिर सेफ बनता है तो दोस्तों मार्केट के अंदर सत्रह सात सौ के जो एग्रेसिव प्रोट्राइटर्स हैं उन्होंने अपनी पोजिशन को राइड किया होगा ये हमें ऑप्शन चेन के अंदर विजिबल होगा दोस्तों सत्रह आठ सौ का पुट राइटर अगर आपके पास में इस ऑप्शन चेन के अंदर इसको अगर इस ट्रेंड को ज्वाइन करता है तो मतलब मार्केट सत्रह आठ सौ से ऊपर जाता है और सत्रह आठ सौ उनसठ के ऊपर इस जगह पर जो कॉल राइटर है सत्रह आठ सौ के उनके अंदर एक दिक्कत आती है और वो यहाँ पर सत्रह सात सौ के सत्रह सात सौ के जो कॉल राइटर्स हैं उनको दिक्कत आनी शुरू होगी और फिर वो उस जगह पर अपनी कवरिंग की तरफ भागेंगे मतलब अपने कवर को देखेंगे तो अगर हमारा मार्केट के लिए व्यू बुलिश बनता है तो उस जगह पर सत्रह का लेवल मतलब एट फिफ्टी नाइन का लेवल और दोस्तों मैं इसको ऑल्टर एच से मार्क कर देता हूँ ये सेवनटीन थाउजेंड एट फिफ्टी नाइन का जो लेवल है ये मेरे लिए एक क्रूशल लेवल रहेगा कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तब इस जगह पर शायद मेरे को शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है कॉल ऑप्शंस के अंदर ये इसको देखकर अभी मेरी समझ में आता है मतलब अभी तक का मेरा ना मुझे ये बताता है दोस्तों इसी डेटा को जब मैं जाता हूँ और जाकर चेक करता हूँ कि एफ और एफ मार्केट के लिए हैं या बियरिश हैं तो मुझे यहाँ पर जाकर देख कर, ये पता चलता है ओपन होने दीजिए ठीक है तो देखो दोस्तों एफ आई एफ पी के डेटा को जब हम लोग देखते हैं तो हमें ये पता चलता है एफ आई टी एस का रेटर कहाँ चला गया इनका एक मत दीजिएगा नो रिकॉर्ड्स अभी ये बता रहे हैं आ गया दोस्तों एक सेकेंड ठीक है देखो दोस्तों हमें ये पता चलता है कि डीआईस आज मार्केट के अंदर सैतालीस सौ सत्तानवे करोड़ की पोजीशंस को ओपन करके मतलब मार्केट में उन्होंने जो सपोर्ट दी मतलब उन्होंने जो पोजीशंस को अपनी ऐड किया वो सैतालीस सौ सत्तानवे करोड़ की पोजीशंस को ऐड किया और यहाँ उन्होंने छह हजार तीन सौ सतर करोड़ की अपनी इस पोजीशन को क्लोज किया मतलब कहीं उनको ऐसा लगता है कि सत्रह आठ सौ का जो लेवल है वो उनके लिए एक ऐसा लेवल है जहां वो अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं तो उस हिसाब से सत्रह आठ सौ उनसठ का जो लेवल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता भी है दोस्तों इनकी जो नेट सेलिंग है

मार्केट पार्टिसिपेंट इस लेवल पर अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं जो एफ और एफ पी आईज तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर ऑप्शंस में कोई मूव की एक्सपेक्टेशन हो सकती है दोस्तों इसी चीज को जब मैं जाता हूँ और जाकर ओपन इंटरेस्ट को चेक करता हूँ तो ये मेरे लिए थोड़ा सा चौंकाने वाला डेटा है मैं आपको समझाता हूँ देखिएगा देखो दोस्तों जिस जिस वेबसाइट पर जाकर मैं इन चीज़ों को देखता हूँ उन्हें आप भी देख सकते हो ये मैंने सारा आपके सामने ओपन कर रखा है एक पर दीजिएगा बस इसको ये ओपन होने में थोड़ा सा ये वक्त लगाता है क्योंकि रिफ्रेश होता रहता है देखिए देखो दोस्तों जैसे कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी, थी कि मेरी ऑब्जर्वेशन से बताती थी कि सत्रह के ऊपर पुट राइटर्स ने अच्छी पुट राइटिंग की होगी एग्रेसिव और हमें यह देखने को भी मिलता है कि जो सत्रह सात सौ की पुट है ये मोस्ट एग्रेसिव पुट भी रही है और सत्रह सात सौ की कॉल एक मोस्ट एग्रेसिव यहाँ पर कॉल भी रही होगी मतलब इस लेवल्स को अगर आप देख कर चलते हैं क्योंकि सत्रह सात सौ की कॉल को बेचना मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए एक कोई एग्रेसिव कॉल एटर होगा तभी वो इस कॉल को बेच पाएगा और दोस्तों तीन और दोस्तों दोस्तों के ऑप्शन में देखकर चल रहा यही अगर आप जाकर देखते हैं तो सत्रह आठ सौ की कॉल उनके लिए एक डिफेंसिव कॉल ऑप्शन मतलब बेचने के लिए ऑप्शन थी और दोस्तों यही अगर आप जाकर देखते हैं तो सत्रह नौ सौ की जो कॉल है और उसमें सबसे ज्यादा जो कॉल बेची गई है अट्ठारह हजार की कॉल है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा सेलिंग हमें देखने को मिलती है दोस्तों पीछे की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो पुट राइटिंग मतलब जितनी ज़्यादा कॉल राइटिंग सत्रह आठ सौ की कॉल पर सत्रह नौ सौ की कॉल पर या अट्ठारह हज़ार की कॉल पर जितनी ज़्यादा राइटिंग है इतनी राइटिंग अभी मार्केट में पुट साइड में नहीं है आप देखें इस चीज़ को तो इतनी राइटिंग अभी पुट साइड में नहीं है तो मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने अपने कुछ डिफेंसिव पोजिशन क्रिएट की होंगी तो दोस्तों अगर मार्केट के अंदर सत्रह सात सौ के पुट का राइटर फेल होता है तो उसने अपनी डिफेंस की पोजिशन क्रिएट कर रखी हैं अगर सत्रह सात सौ की कॉल का राइटर फेल होता है तो उसने अपनी डिफेंस की पोजिशन को क्रिएट किया हुआ है ये इस ऑप्शन चेन को देखकर मेरे को अभी ऐसा देखने को मिलता है देखो दोस्तों अब इसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर हमने क्या पोजिशन अपनी क्रिएट किया हमने क्या पोजिशन के अंदर को हमने क्लोज किया तो दोस्तों हमारी जो पोजिशन थी आज दोस्तों अब हम लोग कल से नई पोजीशंस ओपन कर कर चलेंगे मतलब फ्राइडे से हम लोग नई पोजीशंस ओपन कर कर चलेंगे नए मंथ के लिए सत्ताईस तारीख तक की तो हमारी पोजीशंस क्लोज हो गई हैं हाँ हमने कुछ पोजीशंस अपनी नेक्स्ट एक्सपायरी की बहुत पहले से ओपन की हुई हैं जो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह मिली और हम उनके अंदर अभी बैठे हुए हैं दोस्तों आज हमारे पास में पुट ऑप्शंस थे जिसको हम लोगों ने पुट ऑप्शंस के अंदर हमने अपने प्रॉफिट को बुक किया एक पुट ऑप्शन के अंदर हम लोगों ने लॉस को भी बुक किया दोस्तों इसके अलावा हमारे पास कॉल ऑप्शन थे जिनके अंदर हम लोग रेट टू रेट निकले मतलब मार्केट के इतना गैप अप खुलने के बाद भी हमारे को कॉल के एग्जैक्ट वैसे प्राइस नहीं मिल पाए जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर कर चल रहे थे ये हमारे आज के वो ट्रेड्स थे जो मैंने आपको बताए हैं कल से हम अपनी नई पोजिशन ओपन करेंगे और जो पोजिशन हम लोग क्लोज करेंगे हम आपको बताकर चलेंगे दोस्तों मेरे साथ जुड़े के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस एनालिसिस को आप लोग लाइक करते हो और के लिए एनालिसिस क्रिएट करके लेकर आता हूँ आपके जो भी सुझाव होते हैं जो भी सजेशन होते हैं या इस एनालिसिस को देखकर आपको जो भी लगता है आप कमेंट के जरिए हमें जरूर बता के चलिएगा इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट